हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी मार्केट पर। और आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस कंपनी के ऊपर डिस्कस करेंगे उसका नाम है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्स हेल्थ केयर ने जो अपना पहला मेडिकल सेंटर जो ओपन किया था वो साउथ दिल्ली में किया था, पंचशील पार्क में सन 2000 के अंदर। और इसके बाद में मैक्स हेल्थ केयर एंटर इंटू PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिनका जो एग्रीमेंट था वो पंजाब गवर्नमेंट के साथ था। और उन्होंने दो हॉस्पिटल ओपन किए, मोहाली में और बठिंडा में। 2020 के अंदर जो मैक्स हेल्थ केयर है वो मर्ज हो गया है विद रेडियंट लाइफ केयर के साथ, जो कि ऑपरेट करता है BLK हॉस्पिटल, जो कि दिल्ली के राजेंद्र प्लेस में है। मैक्स हेल्थ केयर ने इसके अलावा और भी कुछ एक्विजिशन की थी। और मैक्स हेल्थ केयर जो अपने पेरेंटल ग्रुप से लिस्ट हुआ था 21 अगस्त 2020 को NSE और BSE पे। मैक्स हेल्थ केयर की जो प्रेजेंस है वो ज़्यादातर दिल्ली NCR के अंदर है, और इसके अलावा मुंबई में उनका एक हॉस्पिटल है, मोहाली, बठिंडा और देहरादून। कुछ हॉस्पिटल को मैक्स हेल्थ केयर मैनेज करती है, वो उनकी ओन प्रॉपर्टी नहीं है, वो कुछ एग्रीमेंट बेस हैं। अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ बेड इन मेट्रो सिटीज़, तो उसमें मैक्स हेल्थ केयर के 84% हैं, उसके बाद में फोर्टिस, अपोलो, मणिपाल और एस्टर हॉस्पिटल के हैं। और बेड ऑक्यूपेंसी भी देखेंगे तो इनकी जो है वो 60% के आसपास है। और अभी जो कोविड चल रहा है तो ये डाटा दिसंबर 2020 तक का है, और जनवरी और मई में ये जो है ऑक्यूपेंसी ये 100% के आसपास ही रही होगी। जो नॉन कोविड ऑक्यूपेंसी है, जो पेशेंट हैं उनकी भी जो है वो लास्ट 4 मंथ से 80% है, तो कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। और अब कंपनी का एक बार हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 70.46% है, और इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो 4.83% है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेट 18% है। और अभी कंपनी ने रिसेंटली एक QIP किया था, जिसके अंदर उन्होंने 1200 करोड़ रेज किए थे, जो कि कंपनी को आने वाले टाइम में फाइनेंशियली काफ़ी हेल्प करेगा। और अब कंपनी के एक बार फाइनेंशियल देखते हैं। फाइनेंशियल में हमारे पास लास्ट 2 ही क्वार्टर के इसमें रिजल्ट हैं, क्योंकि अगस्त में लिस्टेड हुई है तो सितंबर और दिसंबर के, और मार्च के अभी रिजल्ट इसमें अभी आए नहीं हैं। तो लास्ट क्वार्टर देखेंगे तो जो रिवेन्यू है वो 346 करोड़ के आसपास है, और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 34.69 है, और जो नेट प्रॉफिट है वो 31.55 है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से 3 टाइम्स है। और होप अभी जो मार्च के जो रिजल्ट आएंगे वहाँ पर भी इससे बेटर ही रिजल्ट होंगे, अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट में। और अब मैक्स हेल्थ केयर का एक बार टेक्निकल चार्ट देखते हैं। ये आपके सामने मैक्स हेल्थ केयर का स्टॉक का चार्ट है। यहाँ पे जब ये अगस्त में जो लिस्टेड हुआ था तो अप्रॉक्सीमेट 130 रुपीज़ के आसपास लिस्ट हुआ था, और वहाँ से इसके बाद में जो अभी रिसेंटली हाई बनाया है वो 240 रुपीज़ के आसपास है, और अभी जो 212 के आसपास एक इसका सपोर्ट है। और जैसे ही टेक्निकल टर्म्स में अगर बात करें, ये 240 रुपीज़ को क्रॉस करेगा और इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो उसमें ऊपर के लेवल भी देखे जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैक्स हेल्थ केयर कंपनी को समझने में आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।